आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। मालेगांव शहर के साबिक रुकन असेंबली आशिफ शेख ने अब तक न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी के रुकन पार्लियामान डॉक्टर सुभाष भामरे एक नाकाम एमपी है। बारामती लोकसभा हलके से शरद पवार खेमे से सुप्रिया सोले को ही उम्मीदवार बनाया गया है। इस सीट पर अजीत पवार खेमे से अजीत की बीवी सुनेत्रा पवार को टिकट मिला है, यानी सुप्रिया का मुकाबला अपनी भाभी से होने जा रहा है। छत्रपति संभाजी नगर के हरसोल सेंट्रल जेल के दरवाजे पर पुलिस अहलकारों का सड़क पर डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक अफ्रीकी स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। स्मगलर के पेट से कोकीन के 74 कैप्सूल बरामद किए गए, जिनकी कीमत 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मराठा क्रांति मोर्चा ने खबरदार किया कि अगर मराठा रिजर्वेशन की मुखालफत करने वाले छगन भुजबल को नासिक से उम्मीदवार बनाया जाता है तो वो मराठा क्रांति मोर्चा उन्हें हर हाल में हराएगी। वजीर आजम मोदी आज मुंबई आ रहे हैं। इस ताल्लुक से शिवसेना लीडर व रुकन पार्लियामान संजय रावत ने पीएम मोदी के दौरे पर तंकीद करते हुए कहा कि वो मुंबई में जमीन ढूंढने आ रहे हैं, वो कौन सी जमीन अडानी को देना चाहते हैं। महकमा इनकम टैक्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो लोकसभा इंतखाबात के बाद कांग्रेस से 3500 करोड़ रुपए की वसूली से मुतालिक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कमाल मौला मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस इबादतगाह पर हिंदू और मुसलमान दोनों पर एक अपना दावा कर रहे हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को मुबैना दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में आज रॉस यूनी कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 15 अप्रैल तक अदालती तहवील में भेज दिया है। AIMIM के सरबराह और रुकन पार्लियामान असदुद्दीन अवैसी ने मुख्तार अंसारी के अबाई गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तार अंसारी के अहलेखाना से मुलाकात की और कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में वो उनके साथ खड़े हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और मऊ हलके से MLA अब्बास अंसारी को पेरोल मिलने के सवाल पर MP अफजल अंसारी ने कहा कि अब्बास अंसारी को पेरोल पर नहीं बल्कि मुकम्मल जमानत पर बाहर लाने की कोशिश जारी है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा को मुअत्तल करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म साबित कर दिया है। तकरीबन 2 हफ्तों तक तबाही मचाने के बाद सहयोनी फौज अशिफा हॉस्पिटल से पीछे हट गई है। ऐन शाहिदीन के मुताबिक इसराइल फौज ने अस्पताल और उसके आसपास के इलाकों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इसराइल में वजीर आजम नेतन्याहू की मुखालफत शिद्दत इख्तियार करती जा रही। यरूशलम में हजारों इसराइलियों ने पुरतशद्दुद एहतजाज करते हुए फौरी जंग बंदी, यरमगालियों की जल्द अज जल्द रिहाई और कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा किया है। दुबई में यूक्रेन से ताल्लुक रखने वाले गैर मुल्की खातून कबूल इस्लाम के चंद घंटों बाद रोजे की हालत में इंतकाल कर गई। इस खातून की नमाज जनाजा में हजारों अफराद शरीक हुए। अमरीकी रुकन पार्लियामान टिम वॉलबर्ग ने गजा मसले को हल करने के लिए गजा पर नागासाकी और हिरोशिमा की तरह जौहरी बम गिराने की नफरत अंगेज तजवीज पेश की, जिसकी हर तरफ मजम्मत की जा रही है। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई आज IPL 2024 के सीजन का तीसरा मैच खेलेंगे। जहां राजस्थान ने अपने दोनों मैच जीते, वहीं मुंबई को दोनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने इंडिया आउट मुहिम चलाने पर अपोजिशन पार्टी BNP पर हमला करते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टी के लीडर पहले अपने घर में रखी हिंदुस्तानी साड़ियां जला दें। केरला के कासरगोड की सेशन अदालत ने मदरसे के उस्ताद के कत्ल के इल्जाम में RSS के 3 कारकिनों को बरी कर दिया है। साल 2017 में जिला में एक मदरसे के उस्ताद को मस्जिद के अंदर कत्ल कर दिया गया था। वजारत खजाना ने पीर को कहा कि मार्च में GST की वसूली 11.5% बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो घरेलू लेन देन से बड़ी है। आप देख रहे थे देश दुनिया की खबरें। इसी तरीके की खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया।